रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 3, जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है, कटिंग एज टेक्नोलॉजी पार्ट 1। इसमें हम जो पढ़ेंगे, हम सेलुलर कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि किस तरह हमारे जो मोबाइल फ़ोन पे हम जो बात करते हैं वो किस तरह उसका प्रोसेस होता है, ठीक है। हम जो कॉल तो मिलाते हैं, नंबर मिलाया और अगले बंदे को कॉल लग गई, लेकिन उसके जो बिहाइंड उसके जो पीछे जो प्रोसेस चल रहा है वो क्या प्रोसेस चल रहा है उसको हम डिस्कस करेंगे, क्या मेन कॉम्पोनेंट्स उस नेटवर्क के उसको डिस्कस करेंगे। बेसिकली तमाम तरह बेसिक चीज़ों को हम उसमें आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। बेसिक पार्ट है आपका ये, और इसको मैं इंशाल्लाह छोटा छोटा जो मैंने कुछ डेफिनेशन सुन दिया आपने उसको भी गौर से देखना है, उनकी जो एप्लीकेशन उनको ज़रा गौर से आपने याद करनी होंगी, उसको पढ़ना होगा, क्योंकि फिर वो आज भी जो एप्लीकेशन यूज करूँगा बहुत बड़े बड़े जो नाम होंगे उसको पूरा नाम ले लेंगे, जैसे BTS हो गया, MSC हो गया एंड एक्सेट्रा, ठीक है। तो आज हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं, चलें। अच्छा, आप इस लेक्चर की बात जो है आप कैसे कोई डिफाइन कर सकते हैं कि कॉल मेकिंग जो प्रोसेस है या रिसीविंग जो प्रोसेस है वो किस तरह हो रहा है, ठीक है ना। उसके जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या हैं, ठीक है, उनके नेम आपको पता चल जाएंगे आज के लेक्चर देखने में, आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं सेलुलर कम्युनिकेशन, के व्हाट इज सेलुलर कम्युनिकेशन क्या है, हाउ सेलुलर कम्युनिकेशन वर्क किस तरह वर्क करता है और एडवांटेजेस क्या हैं इसके। तो सेलुलर कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो सेलुलर कम्युनिकेशन मीन्स ग्रुप ऑफ टेक्नोलॉजीज, ठीक है ना, दैट सपोर्ट रोमिंग, सेल बेस्ड वायरलेस कम्युनिकेशन, इट इज अ टाइप ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन दैट इज मोस्ट फेमिलियर टू द मोबाइल फोन यूजर्स। अच्छा, मोबाइल कम्युनिकेशन जो होती है हमारे पास वायरलेस होती है, उसमें मतलब कोई वायर तो नहीं आ रहा होता, ठीक है ना। तो जो सिग्नल्स होते हैं हमारे पास रेडियो फ्रीक्वेंसी जो होती है, रेडियो RF फ्रीक्वेंसी, जैसे RF जैसे हम कहते हैं RF सिग्नल्स, रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, बहुत सारे मेरे सिग्नल्स होते हैं वायरलेस सिग्नल्स, उनकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं वायरलेसली, ठीक है। तो ये दैट सपोर्ट रोमिंग उससे हम कहते हैं एक ऐसा नेटवर्क जो जिसको आप जहाँ से आप सिग्नल्स को रिसीव और जनरेट हो जाए सिग्नल ना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं रोमिंग। जैसे आपको मोबाइल फोन है तो ये एक रोमिंग है, रोमिंग सेंटर्स वायरलेस कम्युनिकेशन, क्योंकि यहाँ से आप कॉल कर भी रहे हो और कॉल रिसीव भी कर रहे हो, तो इसको हम कहते हैं रोमिंग, ठीक है ना। तो सेलुलर कम्युनिकेशन मीन्स ऑफ टेक्नोलॉजी दैट सपोर्ट रोमिंग, सेल बेस्ड वायरलेस कम्युनिकेशन, इट इज अ टाइप ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन दैट इज मोस्ट फेमिलियर टू द मोबाइल फोन यूजर्स, जो मोबाइल फोन यूजर्स के लिए बहुत फेमिलियर है, क्योंकि हर मोबाइल से कम्युनिकेशन करते हैं हम वायरलेसली ही कर रहे होते हैं, इसलिए बहुत बहुत ज्यादा फेमिलियर है मोबाइल फोन के, ठीक है। अच्छा, अगर ये सेलुलर क्यों है, अच्छा हम अगर सेल की अगर बात करूंगी, सेल क्या होता है, क्योंकि जब हम देखते हैं ना कि कम्युनिकेशन हो रही है तो वो एक सेल बने हुए होते हैं, ठीक है, ये एक ज्योग्राफिकल यूनिट होता है सेलुलर नेटवर्क का, ये एक एरिया है, समझ लिया आप, ये एक एरिया है ना, एरिया को उन्होंने इस तरह डिवाइड किया हुआ होता है सेल्स में, जो आप टावर्स लगे हुए देखते हैं ना बीटी, उसे हम कहते हैं BTS टावर, मैं आगे उसको बताऊंगा आपको, वो होते हैं BTS टावर, बेस ट्रांसीवर स्टेशन, जो आपके इलाकों में लगे हुए होते हैं, ठीक है, जिस तरह से आपको आपके मोबाइल पर सिग्नल्स आगे गिर रहे होते हैं, ठीक है, वो सिग्नल जनरेट कर रहा होता है, तो वो सिग्नल जनरेट कर रहा होता है, उसकी हेल्प से आपकी जो कॉल्स होती है उसी की हेल्प से आप जो है किसी को कॉल करते हैं या रिसीव करते हैं, ठीक है। तो ये पहले हम बात करते हैं व्हाट इज सेल, सेल है क्या, जो ये एक इज अ जियोग्राफिकल यूनिट ऑफ सेलुलर नेटवर्क, इज द एरिया अराउंड एन एंटीना वेयर अ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी रेंज इज यूज्ड, रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली एज अ हेक्सागोनल शेप बट इन रियलिटी इन इररेगुलर शेप। अगर हम थ्योरेटिकली बात करें तो उन्होंने थ्योरेटिकली एक पेपर वर्क पर, सबसे पहले पेपर वर्क जब भी नेटवर्क डिजाइन होता है सबसे पहले पेपर पर डिजाइन होता है, तो उसके बाद उसका इम्प्लीमेंट किया जाता है एनवायरमेंट में। तो जब भी पेपर वर्क पर जब भी कोई एरिया को हम डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कि एक एरिया बनाया जाता है, तो उस पर सबसे पहले वो क्या करते हैं उसको इलाके को उस एरिया को सेल्स में क्या करते हैं डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एक सेल नहीं होते बहुत सारे सेल्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, लेकिन इस सेल को जो साइज शेप होता है वो हमारा इस तरह का होता है हेक्सागोनल शेप में, लेकिन इन रियलिटी में ये इररेगुलर शेप होता है, हो सकता है यहाँ पे टेढ़ा हो रहा हो, ठीक है ना। हो सकता है ये यहाँ से यूं बिल्कुल यूं आ रहा और यहाँ से यूं इस तरह आ रहा, तो ये इन रियलिटी में तो ये बिल्कुल अलग शेप होगा, लेकिन जब हम पेपर वर्क की बात करेंगे, जब भी पेपर पर नेटवर्क डिजाइन होता है तो वहां पर सेल का जो शेप होता है वो हेक्सागोनल होता है। तो आपको सेल समझ में आ गया कि एक ही ज्योग्राफिकल यूनिट है सेलुलर नेटवर्क का, या जैसे हम एरिया एरिया भी कहते हैं, ठीक है, ये एरिया है
जिसमें एक आपका BTS टावर इस एरिया में लगे होते हैं, अब एक लगा हुआ हो ठीक है या दो लगे हो, ये इस तरह से आपके पास सिग्नल्स को टेक रहा होता है ठीक है। तो इसके बाद अगर हम रियलिटी की अगर बात करें तो वहां पर ऐसा नहीं होता, वहां पर इररेगुलर शेप होता है। अच्छा क्लस्टर क्या होता है, जब बहुत सारे सेल मिलकर एक क्लस्टर बनाते हैं, बहुत सारे सेल्स होंगे, यानी 7 सेल्स होंगे बस ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखिए BTS टावर लगे ना आपके पास, ये BTS टावर है, ये भी एक BTS टावर है ठीक है, ये भी है, ये भी है, ये भी और ये भी। तो यहाँ पर देखें आप सेल कितने हमारे पास, यहाँ पर एक सेल ये हो गया, दूसरा सेल, 7 सेल होते हैं एक क्लस्टर में, 4, 5, 6 एंड 7। तो ये कितने सेल है मेरे पास एक क्लस्टर में, एक क्लस्टर में पास 7 सेल सेल है। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हर सेल में अलग फ्रीक्वेंसी यूज हो रही होगी। ये देखिए ये इस सेल में ये कलर इस सेल का, तो यहाँ पर 100 मेगाहर्ट्ज यूज हो रही है, यहाँ पर 200 मेगाहर्ट्ज यूज हो रही है, इसमें 2 में, 3 सेल में 3 मेगाहर्ट्ज हो रही है, 4 सेल में 4 मेगाहर्ट्ज हो रही है, 5th वाले सेल में 5 मेगाहर्ट्ज सेल फ्रीक्वेंसी यूज हो रही है, इसी तरह 6th सेल में 6 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी यूज हो रही है, और इसी तरह 7th सेल में आपके पास 7 मेगाहर्ट्ज आपके पास फ्रीक्वेंसी यूज हो रही है। और ये फ्रीक्वेंसी ये यूज इसका ये सेल यूज नहीं कर सकता, और इसकी फ्रीक्वेंसी ये सेल यूज नहीं कर सकता, तो ऐसा नहीं होगा ठीक है। तो क्लस्टर आपको पता चलिए, क्लस्टर क्या आपके पास एक ग्रुप ऑफ एडजेसेंट सेल्स का एक जो नेबर्स होते हैं सेल के, उस 7 जो सेल्स मिलते हैं आपस में उनको हम क्या कहते हैं कि हमारे पास क्या है एक क्लस्टर, अगर 7 सेल है तो इस तरह बहुत सारे हमारे पास क्या होते हैं क्लस्टर बने होते हैं, क्लस्टर्स होते हैं एक एरिया में, 7 सेल्स मिलकर एक क्लस्टर बनता है। तो फ्रीक्वेंसी वहां पर क्या है रीयूज नहीं होती है ठीक है ना। अगर इसकी 1 सेल में जो फ्रीक्वेंसी यूज हो रही है वो 2nd सेल में हमारे पास वो फ्रीक्वेंसी यूज नहीं होगी ठीक है। 1 की फ्रीक्वेंसी फिर अगले क्लस्टर में दूसरे में जाके यूज होगी ठीक है ना, पहले क्लस्टर में तो कोई सेम फ्रीक्वेंसी कोई भी यूज नहीं होगी ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं क्या है हमारे पास, अच्छा इट इज कॉल्ड सेलुलर। अच्छा मजे की बात ये है कि जो हमारे पास मोबाइल कम्युनिकेशन को हम सेलुलर क्यों कहते हैं ठीक है ना, इसको कहने की वजह ये आज आपको जवाब मिल जाएगा यहाँ से कि इट इज कॉल्ड सेलुलर बिकॉज द सिस्टम यूज मेनी बेस स्टेशन ठीक है ना, ये बेस स्टेशन होते हैं ठीक है, BTS भी कहते हैं जिसमें। तो ये जो कि स्टेशन होते हैं टू डिवाइड द सर्विस एरिया इनटू मल्टीपल सेल्स, एक मल्टीपल सेल्स में कम्युनिकेशन को डिवाइड कर होते हैं, यानी किस तरह एक ये देखिए एक यहाँ पर ये सेल में ये BTS टावर लगा हुआ है, इसी तरह ये BTS टावर यहाँ लगा हुआ है, ये BTS टावर यहाँ लगा हुआ है, इसकी इसको इससे ये कम्युनिकेशन इस तरह होती है। अब कोई यहाँ पर बंदा कोई कॉल करेगा ना ठीक है, यहाँ से बंदा कॉल करेगा, अब वो बंदा यहाँ पर मौजूद है तो ये इसको यहाँ से भेजेगा। इसके मैं आपको पूरे प्रोसेस बता दूं किस तरह हो रही है ठीक है। आगे अभी हम इतना जानते हैं इसको हम सेलुलर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे बेस स्टेशन होते हैं जो मल्टीपल जो कि एक आपके एक एरिया को मल्टीपल सेल्स में क्या कर रहे होते हैं डिवाइड कर रहे होते हैं। अब एक एरिया में सारे के तौर पर आपका मॉडल कॉलोनी कि अब एक बहुत बड़ा एरिया है, तो यहाँ पर एक BTS टावर तो नहीं लगा होगा, बहुत सारे लगे होंगे, तो अब क्या होगा अब ये एरिया अब इन्होंने एक एरिया को मल्टीपल सेल्स में क्या किया हुआ डिवाइड किया हुआ, एक बहुत बड़ा एरिया है ना ठीक है, उस एरिया को उन्होंने क्या किया भाई एक सेल यहाँ बना दिया, एक सेल यहाँ बना दिया, एक सेल यहाँ बना दिया, एक सेल यू तरह बना दिया, एक सेल इस तरह बना दिया। तो सेल बनाते हैं इररेगुलर शेप होती है, और पेपर पर जो शेप होती है वो हेक्सागोनल शेप होती है ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गई हो सेलुलर कम्युनिकेशन क्यों कहते हैं, सेलुलर इसलिए कहते हैं कि बिकॉज सिस्टम यूज मेनी बेस स्टेशंस टू डिवाइड सर्विस एरिया इनटू मल्टीपल सेल्स, एक एरिया में सर्विस प्रोवाइड करने के लिए मल्टीपल सेल्स बना दिए जाते हैं ताकि कम्युनिकेशन क्या हो फास्ट हो और इजिली हो। अच्छा हैंड ओवर प्रोसेस ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, एक इंपॉर्टेंट थिंग है इसमें जानने के लिए सेलुलर कम्युनिकेशन में। अच्छा जब आपने ये देखा होगा कभी आपके मोबाइल के सिग्नल लो होना शुरू होता है, क्योंकि आप किसी आप एक स्पेस पर एक जगह पहुंचते हैं एक प्लेस पर, वहां पर आपके सिग्नल्स क्या होते हैं कम होना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि सिग्नल्स की नॉर्मल कंडीशन क्या होती है स्टंस होती है ठीक है। तो इसमें आपके पास ये दिखना नहीं दिखते आपको, ये दो आपको दिख रहे होते हैं
ठीक है, तो ये क्या होता है, सिग्नल आपके कम हो रहे होते हैं और फिर आप तुरंत आगे आ रहे हो, सिग्नल पूरे हो जाते हैं। वो किस तरह होता है मैं आपको बताता हूँ। देखें, ये कि BTS टावर आपके पास यहाँ लगा हुआ है, BTS टावर, और एक BTS टावर आपने यहाँ लगा हुआ है। अब आप एक सेल से दूसरे सेल की तरफ मूव कर रहे हैं। अब जैसे ही आप इस सेल के सिग्नल यहाँ पर तो पूरा आएंगे, जैसे ही यहाँ पहुंचेंगे इसके सिग्नल क्या हो जाएंगे, कम होना शुरू हो जाएंगे। तो उन्होंने ये को इस तरह डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है कि ये इसको ओवरलैप कर गया है, ठीक है, हैंड ओवर प्रोसेस या हैंड ऑफ भी कहते हैं इसको, आपकी बुक में हैंड ऑफ कहा गया है, ठीक है ना। तो आप इससे कंफ्यूज नहीं होगा हैंड ओवर और हैंड ऑफ में क्या फर्क है। हैंड ओवर प्रोसेस और हैंड ऑफ प्रोसेस एक ही प्रोसेस है, लेकिन जब इसमें क्या होता है, मूविंग एंड ऑन गोइंग कॉल फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल ड्यू टू सब्सक्राइबर मोबिलिटी। तो इसमें क्या हुआ, एक सब्सक्राइबर अगर यहाँ से मूव कर रहा है इस सेल से, वो फोन पर बात कर रहा है या फोन पर बात नहीं कर रहा, तो उसके सिग्नल जो यहाँ से आ रहे हैं, इस जगह से जा रहे हैं सिग्नल, इस जगह से सिग्नल जो आ रहे हैं, पूरी खाली फोन द्वारा यहाँ से जो सिग्नल आ रहे हैं इसके पास, ठीक है, वो क्या होंगे, वीक होना शुरू होंगे क्योंकि ये इस तरफ भाग रहा है, ठीक है, और यहाँ से सिग्नल आना शुरू हो जाएंगे। जैसे ये क्या सेल है पूरा इंटरनेट कम्प्लीटली इंटर हो जाएगा, तो उसके बाद इसके सेल की कंडीशन वही नॉर्मल जो कंडीशन होती है वो हो जाएगी, ठीक है, वही पूरे सिग्नल आना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह उन्होंने सेल को डिवाइड, उन्होंने एरिया को जो सेल होती है ना उसको एरिया को इस तरह डिवाइड किया होता है कि ताकि वो ओवरलैप करे एक दूसरे के ऊपर, ठीक है ना। ये देखें, एरिया जी है तो दूसरा एरिया इसके अंदर से शुरू हो रहा है, ये देखें। अब तीसरा एरिया इसके कैसे शुरू होगा, यही से शुरू हो जाएगा। चौथा एरिया देखिए इसके आगे से शुरू नहीं होगा, वो यहीं से शुरू होगा, बल्कि ताकि कोई बंदा यहां से अगर यहां आ रहा हो तो उसके जो यहां पर जो BTS टावर लगा होगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, उसको यहां पर सिग्नल भेजना शुरू कर दे, ठीक है ना। तो इस तरह आपकी जो कनेक्टिविटी वो आपकी क्या नाम है कि वो कमजोर नहीं हो, जो कनेक्टिविटी वो वीक नहीं हो, आपके सिग्नल वीक ना हो, ठीक है ना। तो आप उन्होंने जो डिजाइन करते हैं नेटवर्क को, इस तरह डिजाइन करते हैं ताकि कोई भी अगर बात कर रहा है वो इस एरिया में पहुंच जाता है, तो इसका ये ना हो कि उसकी सिग्नल आने वीक हो जाए, ठीक है ना। तो इन्होंने इस तरह सेल्स को डिवाइड किया। ये था हैंड ओवर प्रोसेस हमारा, ये हैंड ऑफ प्रोसेस भी इसे आप कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें सेलुलर नेटवर्क कॉम्पोनेंट्स, तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि BTS क्या है, फिर BSC क्या होता है, और फिर अभी मैं आपको कॉम्पोनेंट्स बता रहा हूँ और आपको प्रोसेस बता रहा हूँ। अभी मैं ये आपको नहीं बता रहा कि कॉल किस तरह मिलती है या कॉल रिसीव किस तरह होती है, ठीक है। अभी हम उसको आगे रखें, BTS स्टैंड फॉर बेस ट्रांसीवर स्टेशन, एंड इट इज मेन कॉम्पोनेंट एंड इट इज कनेक्टेड टू दिस सब्सक्राइबर टू दिस सेल नेटवर्क for transmission and reception of information, it uses the several antennas spread across this cell. अब एक सेल में बहुत सारे आपके पास ये BTS ये लगे होते हैं आपके पास BTS टावर, ठीक है, जिसको मैं आपको बता चुका हूँ, बेस ट्रांसफर स्टेशन होते हैं जो आपके मोबाइल फोन से कनेक्ट होते हैं वाइल्ड लाइफ से। यहाँ पर आपके पास फ्रीक्वेंसी अगर आपकी यहाँ पर गिर रही होती है आपके मोबाइल पर, तो ये आपके पास कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, मोबाइल से कनेक्टेड होते हैं वाइल्ड लाइफ से। इसके बाद होते हैं BSC, BSC क्या होता है आपके पास, ये एक सेंटर होता है, ठीक है, जिससे आप कह सकते हैं कि एक सेंटर है, ठीक है, जिससे बहुत सारे, एक यहां पर BTS है, एक यहां पर BTS है, एक यहां पर BTS है, और ये तमाम तर BTS है किससे कनेक्ट होंगे, BSC से, बेसिक स्टेशन कंट्रोलर, किससे कनेक्ट होंगे, BSC से, सॉरी इससे कनेक्ट होंगे सारे, क्लियर है, सारे इससे कनेक्ट होंगे मेरे पास, बेसिक स्टेशन कंट्रोलर से, एंड इट इज एन इंटरफेस बिटवीन द BTS एंड MSC, ठीक है। और ये एक इंटरफेस होता है बिटवीन BTS और एक MSC भी होता है। अब बहुत सारे BSC किससे कनेक्ट होंगे, वो MSC से कनेक्ट होंगे, ठीक है। वो क्या होता है, मोबाइल स्विचिंग सेंटर होता है जिसमें तमाम तर यूजर की इंफॉर्मेशन होती है कि वो नेटवर्क में मौजूद है। अच्छा एक ये भी एक सवाल ये पैदा होता है कि अगर जो हम जब कॉल मिलाते हैं तो वो उसी बंदे को कॉल क्यों मिलती है, ठीक है, बहुत सारे लोग यूज कर रहे होते हैं, तो उसी बंदे को किस तरह एक स्पेसिफिक बंदे को किस तरह कॉल मिल जाती है, वो उसकी जो इंफॉर्मेशन मौजूद होती है वो MSC के पास होती है, ठीक है।
इनका काम कॉल को ट्रांसफर करना होता है एमएससी की तरफ, बीएससी की तरफ, बीएससी का एमएससी तरफ। तो ये इसका काम होता है सब कुछ देखना, ईएमआई नंबर भी आपका इसके बाद यहाँ पर स्टोर होता है, ठीक है, आपका जो सिम पूरी पूरी इंफॉर्मेशन, आपकी लोकेशन, आपकी जो आप सिम यूज कर रहे हैं, कौन सी सिम यूज कर रहे हैं, और उसका आपका मोबाइल का ईएमआई नंबर क्या है, आपका सिम नंबर क्या है, आपका कोड क्या है, आप किस लोकेशन पर मौजूद है, तमाम तरह इन्फॉर्मेशन किसके पास होगी, एमएससी के पास मौजूद होगी। क्लियर है, इस एमएससी के पास इंफॉर्मेशन मौजूद होगी, और एमएससी के यहाँ पर मोबाइल स्विचिंग सेंटर, और इट इज कनेक्टेड टू सेवरल बीएससीज, सही है, बहुत सारे बीएससी, यहाँ पर मैंने एक आपको दिखा ना, ये एक है, इसी तरह बहुत सारे बीएससी मौजूद होंगे, एक जैसे एक ये बीएससी हो सकता है, एक ये बीएससी हो सकता है, तो ये तमाम तरह बीएससी किससे मौजूद होंगे, एक एमएससी से मौजूद होंगे। क्लियर है, ठीक है, तो बीटीएस समझ में आएगी, बीटीएस क्या होता है, बेस ट्रांसफर स्टेशन होता है, और एक सेल में बहुत सारे बीटीएस होते हैं, ठीक है, वो बीटीएस, बहुत सारे बीटीएस एक बीएससी से कनेक्ट होते हैं, ठीक है, एक बीएससी से आपके बहुत सारे बीटीएस आपके एक बीएससी से कनेक्ट होते हैं, और बहुत सारे आपके बीएससी जो होते हैं बेसिक स्टेशन कंट्रोलर, वो आपके एमएससी से कनेक्ट होते हैं। क्लियर है, वो किससे कनेक्ट होंगे, एमएससी से कनेक्ट होंगे। अच्छा आगे चलते हैं, अच्छा अब किस तरह वर्क किस तरह करता है ना, कि हमारा सेलुलर नेटवर्क वर्क किस तरह करता है, उसको हम देखेंगे किस तरह का वर्क करता है, तो उसके लिए मैं आपको सॉरी अभी कुछ नहीं कहना, थैंक्स फॉर वॉचिंग नहीं कहना अभी, चलिए मैं आपको बताता हूँ वर्क, अब ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, बस 5 मिनट आप जरा गौर से देखिएगा इस चीज को। कि हमारे पास ये वर्क किस तरह करना है ना, आप जैसे कोई कॉल मिलाएंगे अब यहाँ से ना, किसी को भी आप कॉल मिलाते हैं, तो वो किस तरह उसी कॉल मिल जाती है, ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, कि यहाँ पर अब देखिए आपके एरिया में एक बीटीएस टावर यहाँ लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, ये बीटीएस टावर, बीटीएस टावर बताने में क्या होता है, वीडियो पॉज करें और बताएं क्या होता है बीटीएस, खुद सोचें, ठीक है, जो कि आपके सिग्नल्स को क्या कर रहा होता है, आपके मोबाइल फोन पर सिग्नल्स आ रहे होते हैं, बेस ट्रांसीवर स्टेशन, ठीक है, उम्मीद है आप लोगों ने सही जवाब अपने आपको बताया होगा कि बेस ट्रांसीवर स्टेशन, ठीक है, अब बेस, अब यहां पर कोई बंदा एक एरिया है, उस एरिया में आपके पास ये आपके पास ये एक टावर डाल रहा है, बहुत सारे टावर है, ये दरूनी एक ही हो, बहुत सारे होते हैं, ठीक है, तो उस वहां पर एक बंदा मौजूद है इस एरिया में, उसने करनी है कॉल, या उसको मोबाइल फोन आ गया, उसने तो भाई यहाँ से फोन नंबर से अपना फोन नंबर यहाँ पे उस बंदे का फोन नंबर डायल किया और कॉल लगा दी, अब वो उस बंदे को कॉल चली आएगी, लेकिन प्रोसेस के बिहाइंड प्रोसेस क्या चल रहा होगा उसको हमने जानना है ना, ठीक है, तो देखिए बस हार्डवेयर को 5 मिनट लगेंगे, लेकिन अपनी बिल्कुल अपना 100% दीजिए यहाँ पर। अब ये जो कॉल जो है उसके जिस एरिया में मौजूद है वो इस बीटीएस पर जाएगी, जो इस एरिया में वो बंदा मौजूद है उस एरिया के बीटीएस पर जाएगी। अब ये इंफॉर्मेशन किस पर जाएगी, अब ये इंफॉर्मेशन जाएगी बीएससी के पास, बेसिक स्टेशन, सॉरी बीएससी बेसिक स्टेशन कंट्रोलर, ठीक है ना, बेसिक स्टेशन कंट्रोलर बीएससी, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन किसके पास जाएगी भाई, और कितने सेकंड में, कितना देखिए हम कितनी हार्डली वर्क कर रहा है, कितनी फास्ट वर्किंग हो रही है, ठीक है, कि एकदम आपने जैसे कॉल आए बीटीएस पे आपके सिग्नल्स गए सिग्नल्स, और फिर फिर आपके पास बीएससी की तरफ हो जाएंगे, फिर उसके जो एमएससी होगा फिर वो किसके पास जाएंगे सिग्नल्स, एमएससी के पास जाएंगे, आपकी जो एमएससी होगा मोबाइल स्विचिंग सेंटर MSC, तो आपकी मोबाइल स्विचिंग सेंटर होगा यहां पर आपके पास सिग्नल्स जाएंगे, इस तरह फिर वो क्या करेगा, वो बोलेगा अच्छा भाई इस एरिया में बंदा मौजूद है जिसको कॉल की जा रही है, इस एरिया में बंदा मौजूद है, तो
अब भाई इसकी जो यहाँ पर जो जाहिर बात है जिस एरिया में वो जो जो बंदा उस एरिया में मौजूद होगा तो उसके बाद भी क्या होगा भाई, उसके बाद उसके एरिया में क्या होगा, बीटीएस टावर लगा होगा यही, ठीक है। इसी तरह से एक बीटीएस टावर यहाँ पर भी लगा होगा, तो यहाँ पर वो बंदा मौजूद होगा, उसके बाद भी मोबाइल होगा और ये इसके इसकी इन्फॉर्मेशन को कहाँ ट्रांसफर कर देगा, उस बीटीएस पे ट्रांसफर कर देगा। इस तरह आपकी बात होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब आप जो बात करते हैं वो किस तरह होती है, आपके मोबाइल में होता है माइक्रोफोन, ठीक है। क्या होता है, माइक्रोफोन, जो आप बोल रहे होते हैं, ठीक है, वो सिग्नल्स जो होते हैं वो आपके एनालॉग सिग्नल्स जो आपके वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, पहले तो वो बाइनरी में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। जो आप बोल रहे हैं वो बाइनरी में कन्वर्ट, 0-1 में कन्वर्ट होंगे, फिर 0-1 के बाद वो फिर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट हो जाते हैं इस तरह, इस वेव में। तो अब हवा में जाते होंगे इस तरह सिग्नल, ठीक है ना, और ये इनक्रिप्टेड होता है, इसको चुरा नहीं सकता कोई, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है और ये इस तरह से सिग्नल्स मूव कर रहे होते हैं, ये सिग्नल इसी तरह यहाँ पर जाएंगे, वो ढूंढेगा भाई ये बंदा कहाँ पर है, ठीक है, ये बंदा भाई इस वाला इस एरिया में, और इस क्योंकि इसके पास तो हर किसी की इन्फॉर्मेशन है, मास्टर जब भी तो हम कह रहे हैं इसको कि हम मास्टर किस लिए कह रहे हैं, मोबाइल मास्टर स्विचिंग सेंटर, ठीक है, मास्टर डिवाइस मास्टर का काम कर रहा है ये। तो इस तरह ये सिग्नल्स यहाँ पर जाएंगे और इसी तरह ये सिग्नल्स इसके मोबाइल पर पहुंचेंगे और ये इसकी जो कन्वर्जन हो रही थी और इसी तरह इसकी वॉइस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट होंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट होंगे और इस तरह जो बात होगी वो सुनते रहेंगे लोग। समझ में आई बात आपको, कि आप बोल रहे हो दोबारा सुनिएगा, जो आप बोल रहे हो वो बाइनरी सिग्नल्स में कन्वर्ट हो रहा होगा, बाइनरी में कन्वर्ट होने के बाद जो बाइनरी से किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, वो आपकी वॉइस में वो एक लगा होता है क्या नाम है, माइक्रोफोन, जिससे आपकी वॉइस कन्वर्ट आपकी वॉइस जाती है वो कन्वर्ट होती है डिजिटल में। फिर आपको जो एक आपके मोबाइल में एक एंटीना भी होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो कन्वर्जन हो रही है किसकी वजह से हो रही है, आपके मोबाइल में एक एंटीना होता है, जिस एंटीना होता है जो आपको आपकी वॉइस को आपके डिजिटल सिग्नल्स कन्वर्ट कर पाता है किसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। वो इस सिग्नल्स हवा में जाते रहेंगे और ये जाते जाते एक बीएससी के पास पहुंचेंगे, बीएससी एमएससी को देगा, फिर वो चेक करेगा भाई ये बंदा कहाँ पर है जिसको कॉल मिला रहे हैं, वो उसको देगा, फिर उसके बीएससी को ट्रांसफर कर देगा, वो बीएससी आएगा बीच में, पहले बीएससी आएगा वो फिर बीएससी बीटीएस को ट्रांसफर करेगा, ठीक है, पहले बीएससी आएगा, ये बात याद रखिए, पहले बीएससी आएगा एमएससी के बाद फिर बीएससी आएगा, फिर बीएससी क्या करेगा बीटीएस को ट्रांसफर कर देगा, बीटीएस जो उस बंदे जिस एरिया में कॉल की गई है जिस बंदे को और जिस एरिया में उसके बीटीएस को ट्रांसफर करने के बाद उस बंदे के पास कॉल चली जाएगी और इस तरह हम बात करते हैं, ठीक है, ये था सारा प्रोसेस। तो अच्छा, इसके एडवांटेजेस जो है वो आप खुद पढ़ेंगे, बहुत छोटे छोटे से लिखे हुए हैं और इजी बहुत समझ आ रहे हैं, उसको डिस्कस नहीं कर रहा, तो उसके असाइनमेंट आपको मिल जाएगा और उम्मीद है आपको आपको मजा आ रहा होगा इन चीजों को पढ़ने में, क्योंकि ये कम्युनिकेशन है कि आपकी रियलिटी से एक लाइफ से रिलेटेड है, तमाम जैसे हमने नेटवर्किंग का पढ़ा और आपकी आपकी लाइफ से कनेक्टेड था, किस तरह आपके वाईफाई इंटरनेट तो उनको यूज कर रहा है, हमने उसको जाना आईपी एड्रेसेस उनको देखा था हमने, और जिसको कोई कन्फ्यूजन है वो मुझे पर्सनल टैक्स कर दे, ठीक है। इसके बाद जो हमारा चैप्टर होगा वो देखेंगे, ये कोई लास्ट टॉपिक था चैप्टर, इसके बाद हमारा डेटा रिप्रेजेंटेशन है, उसमें डेटा देखेंगे, डेटा किस तरह से काम करता है, डेटा क्या होता है और बाइनरी फॉर्म का डेटा क्या है, डेसिमल में क्या होती है, ये तमाम तर हम कन्वर्जन देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर भी बहुत छोटा सा, उसको हम जल्दी कवर करेंगे और उसको आप चीज़ों को याद करना शुरू करते हैं, अब बस कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तो आपको चीज़ें याद करने में कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, तो आप चीज़ों को अच्छे तरीके से चीज़ों को आप याद करें, उस चीज़ों को देखें, क्लियर। तो उम्मीद है आपको अलग से समझ में आया होगा, तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अच्छा ठीक है, मैंने बता दिया किस तरह वर्क करता है, ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।